わーわーわわわわअस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हारना मनाए प्रेजेंट बाय आईसीआई ड्यूलेक्स पावर्ड बाय माइको एंड कोला। नेक्स्ट, आज बड़ा पीएसएल 9 का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच खेला जा रहा है, क्वेटा वर्सेस मुल्तान। मुल्तान ने पहले बैटिंग की और 185/4 का टारगेट खड़ा किया, 186 रन चेस करने, मोहम्मद रिजवान ने 69 रन स्कोर किए। अब ऐसा है कि क्रिकेट पर थोड़ी सी बात कर लूँ रजाक भाई, मगर पैनल का इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के खतरनाक ऑलराउंडर अब्दुल रजाक, उनके साथ में मौजूद है पाकिस्तानी टीम की एक और खतरनाक ऑलराउंडर कायनात इम्तियाज, मेरे साथ मौजूद है पेशावर को रिप्रेजेंट कर रही है हिरा खान, उनके साथ मौजूद है लाहौर की शान सुनील मंच, वाह भैया, उनके साथ मौजूद है मरियम नफी और हमारे दोस्त उस्मान मजहर। हाँ, पहला रमजान है, तालियों से अंदाजा लगा लिया होगा आप, पकौड़े भरे पड़े लड़कों के पेटों में। ऐसा है, क्रिकेट पे थोड़ी सी बात करूँ रजाक भाई, अब कल तो कोई मैच नहीं है, फिर प्लेऑफ्स में चले जाएंगे, फाइनलिस्ट कौन कौन होंगे आपकी नजर में? देखो, फाइनलिस्ट तो आ चुके हैं, अब ये अभी नहीं आए, अभी क्वालिफाई हुए चार टीमें। हाँ, अच्छा, नंबर वन नंबर टू मुल्तान के चांस लग रहे हैं। मुल्तान और कौन उसके साथ फाइनल खेल रहा होगा? पेशावर। आपको लगता है पेशावर का ऑफर? आपने कुछ और बोला था यार। नहीं, वो फाइनल खेलने, हाँ, एक मिनट हाँ। मुझे मैंने कहा था फाइनल खेलने की बात, अभी सेमीफाइनल है। फाइनलिस्ट उसने पूछा, फाइनलिस्ट अभी जो फर्स्ट सेकंड हो गया ना वो खेल रहे हैं। मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई फाइनल कौन खेलेगा, ये पूछ रहा हूँ इंग्लिश में। मुल्तान और जो सेमीफाइनल जीतेगा, हाँ, मुल्तान और पेशावर, क्वेटा और पेशावर में अभी भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुल्तान तो मुल्तान पेशावर है ना, पेशावर पेशावर खेलेगा, और कोई खेले ना, अकेला खेलना होगा पेशावर, पेशावर खेलेगा। सुनील भाई, मुल्तान क्वेटा, मुल्तान क्वेटा, पता नहीं इस्लामाबाद खेल ले, बाकी किसके साथ? कोई भी खेल ले, इस्लामाबाद लाहौर करके खेल ले, इस्लामाबाद पूरे मुल्क के साथ खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है कराची इस्लामाबाद और लाहौर अलग-अलग टूर्नामेंट शुरू करेंगे। इस्लामाबाद और पेशावर चाहूंगा मैं फाइनल, कराची को नहीं जाएंगे अब, कराची है, कराची के रहने खेलते हैं चुमिच कप। आज किसका मैच है देखते हैं स्क्रीन पर, आज खेलने वाले हैं चुमिच कप उस्मान भाई यानी कराची वर्सेस रजाक भाई, माइको उस्मान भाई वर्सेस क्वेटा यानी रजाक भाई, कांटे का मुकाबला होना चाहिए, दोनों ही बड़े पावरफुल प्लेयर हैं। उस्मान भाई के साथ अल्लाह खैर करे आज मरियम नफीस है, रजाक भाई के साथ दिनी कायनात इम्तियाज, सुनील भाई और हिरा आज के बीच, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, रजाक भाई को बहुत खुशी हुई है। पहला सवाल, पहला राउंड 360 डिग्रीज, तुक्कों की बारिश होनी चाहिए, दिखाइए। अल्लाह जी, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना डेट? 28 मई 1998। क्या डिक्लेयर तब किया था? बंद तो बहुत पहले किया था। फलसफियाना गुफ्तगू भाई, आपने बढ़िया पूछा, फिर आपके सवाल गलत निकल आते हैं। न्यूक्लियर पावर कब बना, डिक्लेयर कब हुआ था? वो इसी डेट पे हुआ था, डिक्लेयर इसी डेट पे हुआ था, बना इससे 10 साल पहले। हमारा जवाब यही है। हाँ भाई, कब बना बताना जरूरी है ना। हाँ हाँ, 17 मई 1998, 17 मई 1998, 28 मई 1998, 28 मई 1997, दिखाओ बेटा, 28 मई 1998, दोनों को 10-10 पॉइंट। तो ये तो नहीं था ना कि सारे जवाब सेम दे सकते हो भाई, हेलो, एग्जैक्ट डेट दे, 10 साल पहले भी तो था, फिर शुरू सेम आंसर वाले नहीं, चलो लड़ो, कह रहे 10 साल, भाई क्या लड़ाई करें, आगे मेरी कोई सुनता नहीं है, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, सेम पॉइंट्स वालों को पॉइंट्स नहीं, अगला देखो यार, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में किस नंबर पर है एरिया वाइज? रजाक भाई, एरिया के हिसाब से किस नंबर पर है, किस नंबर पर है एरिया वाइज? एरिया वाइज इन्होंने नाप के लिए देखा, पॉपुलेशन वाइज नहीं पूछा बेटा, एरिया वाइज जल्दी, 9वें नंबर, 9वें नंबर, 7 7 30 30, दिखाओ बेटा, 30 ही लग रहा है, सुनील भाई ने 9 बोला, 7 बोला मैंने, 7 33 नंबर, वाह भाई वाह, उस्मान मंजर वाह, नहीं नहीं एक ही इंच नापा हुआ है आपने पाकिस्तान का, अगला दिखाओ, 7 नंबर पे भी, दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट कितने घंटे प्रवास करती है, दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट
ये तो डिपेंड करता है, हमारे यहां तो बहुत ज्यादा फ्लाइट कर लेते हैं, ये फ्लाइट तो बहुत लंबी हो सकती है, ये संगत पे डिपेंड करता है, संगत और माल पे, माल माल कैसा है? आप डायरेक्ट फ्लाइट की बात कर रहे हैं ना, इनडायरेक्ट भी कर रहे हैं, बता दो क्योंकि इनडायरेक्ट तो फिर बहुत लंबी है, डायरेक्ट तो बहुत 14 घंटे 14 आवर्स 16 18 18 1 मिनट नहीं 1 मिनट इनडायरेक्ट फ्लाइट और डायरेक्ट फ्लाइट, नो नो डायरेक्ट फ्लाइट, इनडायरेक्ट फ्लाइट 4-4 दिन की होती है, चलो जी ट्रांजिट ले लो तो और लंबी हो जाएगा, 14 16 18 14, 16, 18 दिखाओ कितने घंटे बेटा, 18.5 वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये कब पड़ा था, हवा भी रहती है, हवा भी रहती है, हवा भी रहती है, मरियम अगर आप अपनी बारी में इतना अच्छा खेलें तो आज आप पॉइंट्स टेबल के, ज्यादा बात नहीं करो आगे, ठीक अगला फ्री हिट नंबर खोलने, इसके अंदर टास्क निकलेगा, आज चेंज करूंगा, सुनील भाई आप सबसे पहले खोले, जैक सबसे पहले, जैक सबसे पहले, नंबर वन खोले, बॉलीवुड अदाकारों के नाम, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, बॉबी देओल, सनी बांद्री, ऋतिक रोशन, दूसरा कौन था यार, संजय दत्त, सुनील दत्त, नो नहीं यार, चार तो मैं, पांच मैंने दिए, छह उन्होंने दिए, दस हुए बहुत अच्छे, बहुत अगर आप मुझे देते ना तो मैं ज्यादा करता था, हेरा आपने बहुत अच्छा, बॉलीवुड आप जैसे उन्होंने तीन ऊपर के नाम बलाई निकाली, आपने अच्छा टेक ओवर किया, सलमान खान शाहरुख खान पर आपकी खत्म हो गई, मेरी बात कर रहे हैं, हाँ भाई कंपटीशन है अपना, सब पता है, नंबर थ्री, नंबर तीन खोलिए, पाकिस्तानी सर नेम्स बताइए, पहले इनको मतलब बताएं, उस खान खान बट शेख मंज जट हाशमी सुरमा, ठीक है काफी है, कितने, चार, पांच चलो मत, किसी को एक दे दिया खान तो क्या होगा, सही है, पांच बहुत अच्छे भाई, बहुत तुसी भी दस दियो, वैसे जी आपका गेम है, टेन रहे नंबर टू, मानी एक ही चीज रहेगी, मरियम आप और उसमें आप में से कौन खेलेगा, वैसे हम दोनों खेलेंगे, क्यों, क्या सवाल, खोलो खोलो भाई, जो रह गया है, बॉलीवुड फिल्मों के नाम बताइए, हॉलीवुड फिल्में, टाइटैनिक, बॉलीवुड, बार्बी, बॉली अवेंजर्स एंड गेम, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम, ओशन 11, ओशन 12, ओशन 9, ओशन 10, यार ये फेज 8, फेज 9 शुरू हो गया, क्यों क्यों तालियां, पांच अच्छा बता 1 2 3 के नंबर नहीं आए जिससे, हम जीते भाई, ये पार्ट्स ही बता रहे हैं, मूवीज के नाम अलग अलग, नहीं एक सेकंड, फिर बात करें, हॉलीवुड फिल्मों के नाम बताने हैं, हाँ। फिर बात करें भाई, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अलग अलग फिल्में हैं, ये एक मिनट पहले भी हो चुका है, एक मिनट, फिर लाहौर के इलाकों के नाम, डीएचए, फेज 1 2 3 4 5 6 8, पहली बात तो ये है कि जिसका गेम है उससे बात करूंगा, ठीक है, चलो हॉलीवुड फिल्मों की बात, हॉलीवुड फिल्मों की बात, ठीक है यार, जिसका गेम है प्लीज, अवेंजर्स एंड गेम, फास्ट एंड फ्यूरियस 1 2 3 4, स्टॉप, नहीं 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 नहीं, अगला सवाल, उसके अलावा भी हमने काफी फिल्मों के नाम लिए, नहीं हमने टाइटैनिक का, हमने बार्बी का, हमने ओपेनहाइमर का, फिर हमने अवेंजर्स के बाद अवेंजर का, और फिर आपने ओशन का, ओशन 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट अगला, पहले बताना चाहिए था, माइक को प्रेजेंट ईगल आए, नहीं रजाक भाई सोच, नहीं जरूरी दबाना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, करने दो, हाँ भाई क्या है, BAC लड़के ही बताए, मेरी वखी पे लगी है, मैंने बताया ना, सी, सी बंद कर दो, भल्ला नीचे की तरफ, चैलेंज कर रहा है कोई, नहीं हम नहीं कर रहे, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ये खेलना नहीं चाहते, ये वाला राउंड ये खेलना नहीं चाहते, ये वाला राउंड बताइए, मैंने सी कहा था, सी, अगला भी है, डर माइनस का डर, हाँ जी, हाँ सुनील भाई पहले इन्होंने किया, बी, मैं किसने किया पहले, आप, मैंने किया ना, फाइव, फोर, बी, बी, चैलेंज कर रहे हैं, बजर दबाया, करने ही पड़ेगा, उन्होंने बी कहा तो मैं कैसे चैलेंज करूंगा, 20 नंबर दूंगा, बी है, पहले नहीं कर रहा भाई, ये उसकी आंखें देखो कहां जा रही है, दिखाओ बेटा, नहीं ए भी हो सकता है, उसकी आंखें उधर जा रही हैं, तो ए इज द राइट आंसर, माइनस 10, माइनस 10 मेरा कुछ नहीं, माइनस 10, पहचान कौन, आवाज पहचान नहीं, आवाज निकालो, सुनील भाई का गेम आ गया है, हमारे लम्स की सीने रहना कर, हिना खर, हर आवाज पे नजर है आपकी, कोई चैलेंज रजाक भाई, बहुत कॉन्फिडेंस है, 25 नंबर,
नया करेंगे अभी हार जाएंगे मैं बता रहा हूँ। 50 नंबर उनके पास बहुत दे दें 100 नंबर चैलेंज पे। हाँ एक मिनट फिर से सुना दें प्लीज बिकॉज सुना दें हर वॉइस इज क्वाइट दिखाइए बेटा कौन है फिर आरव पाली का अरवा वाह ये आप चैंपियन हो इसके अगला दिखाओ बेटा डोनाल्ड ट्रंप पहले उन्होंने बताया नहीं ये तो बहुत आसान था यार अगला दिखाओ दबाया था हम लेट हो गए आवाज नहीं आ रही आवाज बड़ी करो मुईन अख्तर कोई चैलेंज कर रहा है दिखाओ बेटा कौन है नहीं कर पाते चैलेंज कर रहा है कोई नहीं 40 नंबर चालीस नंबर माइनस तो नहीं होगा ना -10 क्यों नहीं होगा भूषण सारी भूषण सारी यार मैं नहीं करता कर दिया मैंने कहता मैं नहीं करता खत्म खत्म क्यों कर दिया खत्म किया भाई आप पहले 10 पॉइंट माइनस करवा देंगे खत्म नहीं किया रजाक भाई दिखाओ बेटा कौन है ग्रेट मूवी रखता मुश्राइन सारी कह रहे थे अगला मुश्राइन सारी कह रहे थे पहेलियां आ गई आप लोग भी गैस करना बजर राउंड है बस पहेली दिखाओ बेटा एक शख्स बारिश में बगैर छतरी और टोपी पहने खड़ा है मगर उसका एक भी बाल गीला गंजा है वो गंजा है आप चैलेंज करोगे भाई आप दिखा बेटा वो गंजा है आसान यही बोलना था ना चलो दिखा बेटा खुद को खुश करते वक्त कौन सी चीज गीली हो जाती है तौलिया यार हाँ गोलिया तौलिया टॉवल 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 दिखाओ बेटा क्या 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 है दिखाओ टॉवल वाह बड़े बॉर्डर लाइन सवाल है बॉर्डर लाइन सवाल अगला दिखाओ इंग्लिश में रखा करो बेटा डेथ ओवर्स चार ऑप्शन आएंगे बजर राउंड है बेटा आप लोग भी हेल्प करना सबूत देना कहीं पढ़ ले ठीक है दिखाओ किस मुल्क का झंडा चार कोनों वाला नहीं नेपाल नेपाल ये क्या है पहला ऑप्शन क्या है सनी लियोन उनकी बॉडी बैग नेपाल बन कर ये सियेरा लियोन गलत कोई चैलेंज कर रहा है क्या नहीं भाई नहीं कर रहे नहीं कर रहे बता चुकी है लॉक कर दे तू भाई चैलेंज नेगेटिव मार्किंग है हां नहीं मैं नहीं कर रहा रेड बना देता हूं 50 नंबर यार नहीं रहने दे लालच बुरी बला है किस मुल्क का झंडा चार कोनों वाला नहीं है चार कोनों वाला नहीं है नेपाल ही है वो यूं करता है नहीं भाई नहीं नहीं नेपाल बंद कर दो वेरी वेल डन रजाक भाई प्लस आप मुझे मिला मुझे फसा रहे ये 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 फसा रहे थे फसा रहे अच्छा कोई बताएगा नहीं आप भी नहीं आप भी नहीं बोनस क्वेश्चन है बोनस क्वेश्चन ये मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ जो देगा 40 पॉइंट बजर पे उंगलियां आसान है आसान है सियेरा लियोन किस कॉन्टिनेंट में है अफ्रीका बजर दबा अफ्रीका अफ्रीका राइट आंसर अच्छा एक और इसी में यार ये देखे ना जेलस साउथ अफ्रीका या वेस्ट अफ्रीका जो बता देगा मैं इसमें 50 नंबर 10 नंबर और बोलो क्या क्या साउथ अफ्रीका में है या वेस्ट अफ्रीका में जो बता देगा 10 नंबर तो वेस्ट कर दो वेस्ट अफ्रीका वेस्ट अफ्रीका इज द राइट आंसर 50 नंबर ले गए वो दो ऑप्शन में कौन सा आसान था 40 अच्छा छोड़े अपने अगला सवाल अगला देखा बता देंगे असल में वो पीछे से बोल हाँ मैंने पहले किया सुमो रेसलिंग उन्होंने दबाया था सुमो रेसलिंग किसने दबाया किसने दबाया मिखेल सुनील भाई ने दबाया सुमो रेसलिंग को चैलेंज कर रहा है नहीं अब मैं रेट बढ़ाने पे आ गया हूं 50 नंबर का सवाल है चैलेंज पे जो कोडा कह दो 50 नंबर आ जाएंगे जापान की बात हो रही है हां जापान की भाई इन्होंने कहा सुमो रेसलिंग कोई चैलेंज करे 50 नंबर है हां टेबल टेनिस
जकूडा कह दो टेबल टेनिस किसी एक को तो भेजा बजाबे स्टैचू होने को नहीं बोला यार ये क्या 25 मिनट हो गए यार चैलेंज किया इन्होंने चैलेंज कैसे कर रहे हैं नंबर फोर रसाक भाई ने कहा जुकुडा सुनील भाई ने कहा सुमो रेसलिंग चैलेंज में 50 नंबर है दिखाइए क्या है सुमो रेसलिंग इज द राइट आंसर माइनस टेन अच्छा यार अब एक काम करो हमें इजी ले रहे हैं यार उस टाइम से पीछे वालों एक काम करो अगर कोई बंदा चैलेंज कर रहा है गलत जवाब दे रहा है जिसको चैलेंज किया गया उसको 50 नंबर दे दो ठीक है उस्मान भाई आपसे आगाज करेंगे आज पहला सवाल दिखाओ SSGC stands for सुई सदन गैस कंपनी ऑप्शन बी ऑप्शन टू ऑप्शन टू बंद करें सही जवाब 10 नंबर गैस कॉरिडोर नहीं पता बीस नंबर विच कंट्री हैज वन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील पक्का है पक्का है ब्राजील बंद करें बहुत ठीक जवाब वाह 40 का लगाओ कैपिटल ऑफ क्रोएशिया इज सिसाक ज़ग्रेब रिजेगा और या ज़दार ये तुक्के लग रहे हैं बस 5 4 3 2 1 नाउ सिसाक बंद कर दीजिए ब्रेक का वक्त हुआ ब्रेक लीजिए वापस आइए यार रौनक गिर जाएगा वाह भैया खाजी हजरत वेलकम बैक टू आर नाम मनाए प्रेजेंट बाय एसीआई ड्यूलक्स पावर्ड बाय माइको एंड कोला नेक्स्ट खेल रहे थे हम HMH कप डबल और नथिंग उस्मान भाई ने कहा क्रोएशिया का कैपिटल है दिखाइए क्या है हम चेंज कर ले उस्मान भाई एकदम एक चीज तो होती ना गलत होना बिल्कुल थोड़ा गलत होना आप एकदम गलत है एकदम गलत जीरो ये है ही नहीं ये यूरोपी में नहीं है हाँ क्रोएशिया कैपिटल ज़ग्रेब है आप अगर गूगल कर लेते आपको पता होता अब आपकी बारी है रजाक भाई डबल और नथिंग की रजाक भाई डबल जीरो अब कुछ नहीं करना हमारी तरफ जीरो बिल्कुल गलत बोला है दिखाइए और मशवरा करके आराम से एहतियात से खेलिए हाँ जी वो अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2018 क्रोएशिया अर्जेंटीना पाकिस्तान फ्रांस पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हैं यार कैसी बातें कर रही है अर्जेंटीना 2018 अर्जेंटीना 2018 में अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस जीता उनकी हेल्प आई एम नॉट श्योर अबाउट इट चलो ना लॉक जो वन कह रहा है तालियां बजा दे जल्दी से चलो यार लॉक करो अच्छा एक सेकंड जिनको लगता है अर्जेंटीना को तालियां बजाएं जो लगता है क्रोएशिया को तालियां बजाएं जो लगता है फ्रांस को तालियां बजाएं पाकिस्तान वाले भी बजाएं पाकिस्तान वाले पाकिस्तान ये ले फ्रांस बंद करो ले फ्रांस नहीं अर्जेंटीना का राइट आंसर नहीं अर्जेंटीना भी कह रहे फ्रांस सही बोला अपने सही आंसर भी कह रहे नहीं अर्जेंटीना ओए मरवाना सानू तुसी बैठ जाओ उन्होंने पाकिस्तान से भी उंगली बोली तुसी मरवाना सानू तुसी मैंने जेड़ा पता नहीं मैं क्या नेक्स्ट सवाल बड़े तेज आनू मैंने जेड़ा पता है मैं तो सानू बोलने का शौक है नहीं पता तो चुप रहो सुनील भाई ये क्या हो गया ऑनलाइन फ्रांस सही जवाब था अगला दिखाइए 20 नंबर के लिए Sparco stands for the Space and Upper Atmosphere Research Company, the Space and Upper Atmosphere Research Corporation, the Space and Upper Atmosphere Research Commission, या जो चौथा ऑप्शन है। थक गए। बोल के थक गए। Third, the Space and Upper Atmosphere and Upper Atmosphere Research Commission. Yes. Third option lock करिएगा। राइट आंसर अरे अरे मैंने जवाब दे दिया आपकी बिहाफ पे ठीक किया कायनात है तुम दोनों कोई एक्साइटमेंट और खुशी नेक्स्ट यू कनेक्टिंग विद मी आई एम कनेक्टिंग विद हिम 40 यू आर कनेक्टिंग विद मी बेटा 40 नंबर MOU स्टैंड्स फॉर मिलिट्री ऑफिशियल यूनिट मेमोरेंडम ऑफ ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग तीसरा लड़के कह रहे हैं 1 तीसरा कितना शोर है तीसरा उस्मान भाई कुछ हेल्प नहीं कर रहा ना हां भाई तीसरा इससे ज्यादा हेल्प जल्दी जल्दी एक पक्का मेरे ख्याल से तो यही है मैं अपने ही पक्का बता रहा हूं तीसरा 5 4 तीसरा मैंने एक मिनट ठहर जी ठहर थर्ड
इन्हें पॉइंट्स बाद में हमसे चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1 अब ये अभी मेरी विनर है ना। थर्ड ऑप्शन लॉक करें। उस्मान सुनील भाई तीसरा मैंने कहा। राइट आंसर। कसम से हद करते हैं आप। वो डाउन थे भाई बाद में। नहीं नहीं इस सबसे ज्यादा साइन होने वाली चीज पाकिस्तान में एमओयू ही है। सही बात है। हर कोई एमओयू साइन कराता रहता है यहाँ पे। एमओयू साइन कराता है ना, नाम पूरा लिखता है। कितने हुए जो काम नहीं आना उसमें एमओयू कर दो। कितने हुए प्रोग्राम में? हमने पूरी दुनिया के साथ एमओयू साइन किया। कमेटी बना दो, एमओयू कर दो, दोनों काम नहीं होंगे कभी भी। अगला दिखाओ। वो अंडर वो नहीं। 14 अगस्त 1947 को दिन क्या था? फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, वेडनेसडे। जुम्मा नहीं था। एक जुमा था यार। थर्ड भाईजान मेरी मान रहे हैं जुमा था। जुम्मा नहीं आप था। फिर बता रहे हैं अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा वैसे यार। एक मिनट क्या है? थर्सडे। बस एक मिनट मिठाई दे दे। नहीं ओ भाई हेलो। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप मानते नहीं है ना। थर्सडे भाई हेलो। मेरी नहीं माननी। जवाब जुमा थर्सडे। ये इनका गेम है। एक मिठाई दीजिए, मिठाई जाते नहीं टाइम यार। नहीं बस टाइम खत्म। एक मिनट मैं बताता हूँ। टाइम हो एक बताता हूँ। जुमा थर्सडे। जुमा बंद करो यार, गलत जवाब। हमें जुमा ही पता था। इतना टाइम लेके भी ये कह रही थी थर्सडे और आप 40 घंटे बाद आपने गलत जवाब। और कनेक्ट भी हो रहे थे पहले। जीरो। रजाक भाई जीरो। 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 जी बिस्मिल्लाह। अगला राउंड। सिफर। हमारी बारी। किसी और को खेलने ही नहीं देते। अगला देखो सुनील भाई के लिए 10 नंबर। ओ हीरा और सुनील भाई के लिए 10 नंबर। एक्सक्यूज मी। हीरा और सुनील भाई के लिए 10 नंबर का सवाल। बेहतरीन चले बताइए। काबुल, अफगानिस्तान, भारत, हेरात। काबुल बंद करो। काबुल सही जवाब। आप कैसे कह रहे थे नंबर? कंधार कोई इतना मुश्किल सवाल था नहीं। क्या काबुल आ गया? काबुल अरे वो भी गलत बता रहे थे। हाँ दिखाओ भाई अगला 20 नंबर के लिए। Which country is the largest producer of the coffee in the world? पहले भी हुई है बात। अभी बता दो। ये बात हुई है। पहले हुआ था ये कैंसिल कर दो। ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील है। एक सेकंड। ब्राजील है भाई, हमने जवाब दे दिया। एक सेकंड सही है। यार आप अपनी पांव पे क्या आपका? ये सवाल कैंसिल होगा। चलो मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं चीटिंग नहीं करता। आप नहीं करते। देखो अगला सवाल है। ये बड़ा क्या हो रहा है? What is the capital of Monaco? मोंटी कार्लो। मोनाको बहुत मोनाको का कैपिटल क्या है? मोनाको मुझे लगता है मोनाको। इन्हें बिल्कुल नहीं पता। मोनाको अगर आप कैपिटल मोनाको। मोनाको सही है। फाइनल है। 5, 4, 3, 2, 1 मोनाको फाइनल। मोनाको बंद करे। जीरो। आपने मुझे बोला है, आपने मरवाया है। याद रखना आपने कहा मोनाको छोटा सा। एक सेकंड आप चेक कर लो। गूगल करना है। चेक कर लिया ना भाई। एक सेकंड आप में से तीनों बजर पे उंगली रख लें। मोनाको के बारे में सवाल। अरे अरे आया। किस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर मोनाको है? फ्रांस। चैलेंज। गलत जवाब। माइनस। बोनस राउंड। चेक कर लेना। चाइना। जीरो बताएं। जीरो बोले। नहीं जीरो आपको कुछ मिला ही नहीं। अब किसकी बारी रहेगी? आप सबके जीरो हो गए माशाल्लाह। कोई एक बंदा नहीं। राउंड में सब जीरो थे लेकिन वैसे मैंने मेरा ख्याल है जैक के तौर पे हाई स्कोर मैंने चेक करना बेटा। मोनाको की इंफॉर्मेशन हमने मिलके। अब क्या होगा इसमें आपने बताना है कि आउट है या नॉट आउट है। नेगेटिव मार्किंग है। बजर राउंड है। नेगेटिव मार्किंग है। चले गए ना तो चले जाएंगे सारे। बजर राउंड है। नेगेटिव मार्किंग होगी। आपने बताना है गोल हुआ कि नहीं। ठीक है फालतू की नहीं हम करेंगे। हाँ जी रजाक भाई हमने बता दिया। हो गया। हो गया चैलेंज। दिखाओ बेटा। तो लग रहा है यहीं पे गिर गया है। नहीं हुआ। गोल। रजाक भाई वाह। आपके तुक्के परफेक्ट हैं। कनेक्टिंग है। कनेक्टिंग बहुत अच्छा तुक्का भाई। +10।
फिर से बताना है गोल हुआ कि नहीं। रजाक भाई हो गया? नहीं हुआ मुझे लगता है। हो गया चैलेंज। कितने मार्क्स मिलेंगे चैलेंज पे? 10। 10 चैलेंज नहीं करता। दिखाओ बेटा। नहीं होगा वैसे। गोल। फुटबॉल देखते रहे आप, क्रिकेट देखे? इनके क्या हो गए? गोल का मैंने गोल का इन्होंने सॉरी गोल का ओए होए होए होए। अरे भाई 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 बहुत देने रहा। पहली बार घुमा रहा है। घुमा के फेंकना, घुमा के सबको आवाज आई है। चल अच्छा भाई एक सेकंड, अब मैं पहले वीडियो दिखाऊंगा फिर पूछूंगा इसमें से पूछना क्या है। ठीक है ठीक है। वीडियो देखें। ऑर्डर डिलीवर होगा कि नहीं होगा? गिर जाएगा? नहीं होगा। बजर दबा के? नहीं होगा। गिर जाएगा? गिर जाएगा। कोई और चैलेंज? कोई और चैलेंज? गिर जाएगा मतलब क्या? ऑर्डर डिलीवर होगा या नहीं होगा, उस बंदे के हाथ में ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा? इन्होंने कहा गिर जाएगा यानी नहीं आएगा। नहीं आएगा सिंपल। आप भी नहीं आएगा, चैलेंज नहीं है। दिखाओ बेटा क्या होगा। चोरी हो गया? नहीं होगा। डिलीवर ये कहा है। प्लस टेन। आप डिलीवर होना या ना होना था, आपने गिर जाएगा नॉट डिलीवर्ड यानी कि चोरी हो गया। जैक के पास इस वक्त 210 नंबर है। हाईएस्ट एवर आप तकरीबन आप डिसाइड करें जब तक ऑडियंस से बात करूंगा। सबसे पहला सवाल किस लड़के के पास? अच्छा तुमके पास 10,250। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब इनका टाइम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फायजा। फायजा क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूं। माशाल्लाह। सवाल। मैं अपना हनीमून छोड़ के आपसे मिलने, मैं सिरा से मिलने आई हूं यहां पे सिर्फ। अरे वाह 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 भाई जान, आप अकेले छोड़ के आपके हस्बैंड साथ आए हुए? हस्बैंड से तासुरात पूछने इसके? अच्छा अच्छा आप सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, हम दोनों में लड़ाई हुई है। वो मरियम नफीस के लिए आए हैं और मैं मैडम हिरा के लिए आई हूँ। तो फिर लड़ाई क्या? वाह यार भाजन, हनीमून लड़ाई ये है कि मुझे जेलसी है वो मरियम जी क्यों, मैं क्यों नहीं। अरे अरे अच्छा भाईजान आप पहले सवाल कर लें ताकि मैं बिल नहीं आप देख लिया आपने जी मेरी रिसेंटली आपका ड्रामा देखा है गुरु, उससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ और उसी से मुझे पता नहीं क्यों उस वक्त से चाहती कि मैं आपसे ज़रूर मिलूँ। तो इसीलिए मैंने जब मुझे पता लगा तो मैंने प्लान बनाया हुआ कैंसिल किया और लाहौर आ गई। बहुत शुक्रिया आपसे मिलने के लिए और आपसे आपके साथ पिक्चर लेना चाहती हूँ। मैं पिक्चर लूँगी आपके साथ। आपको पिक्चर में थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से मरियम भी इस्लामाबाद से आई है। अपने हस्बैंड को भी दे भाई जरा मुझसे बात करो डायरेक्ट। नहीं सर मैं आपको थ्रू करूं। सर आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मगर छोड़ के नहीं आया हनीमून आपने? नहीं छोड़ के नहीं आया। आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूं लेकिन उससे पहले मैं मैम का फैन हूं। हां प्लीज मैम आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपकी ब्यूटी और आपकी फिटनेस का जो है वो उसका उससे भी बड़ा फैन हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी मिसेज को कोई ऐसी टिप्स दें कि वो आपके जैसी जो है वो इतनी प्यारी है, मैं उनको क्या फिटनेस के भी दें मोटी हो रही है। अच्छा मैं आपको वैसे अरे मेरे भाई एक सेकंड रुक जाओ यार। एक सेकंड। नहीं मेरी जान अभी आपकी नई नई शादी हुई है मेरी जान, ये सब चीजें जो है ना उनको टीवी पे काम करना, हम सब टीवी पे काम करते हैं, हम उन वो आपके लिए घर पे बैठी है, घर छोड़कर आई है, हनीमून छोड़कर आई है, सारी खूबसूरती यही है। ये सारी चीजें ना बाकी खत्म हो जानी है। ये तारीफ करोगे वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक ले वापस आया आर्रा मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू आना मनाए खवातीन और हजरात। हमने खेला एचएमएच कप, 210 नंबर थे सुनील मंच के पास और हिरा खान के पास। मैं नाम ले लेके थक गया इतने सारे लोगों के। आप लोग अच्छा उससे पहले मैं चीज़ एड्रेस कर लूँ। मैंने कहा मोनाको को मिलिटरीली जो है चाइना वो कर रही है, वो फ्रांस ही कर रही है। 10 नंबर आपके उस्मान भाई वो भी ऐड होंगे। वेरी वेल डन सुनील भाई। हिरा किसको देंगे? जल्दी जल्दी टाइम नहीं है। अर्शी का भी सवाल है यार। मरियम को उस्मान भाई और रजाक भाई। अब लोग कल कहां थे? मरियम को दे दे। मरियम तो खेल नहीं रही। उस्मान भाई है, मासूम उस्मान और मासूम रजाक। आप मेरे पॉइंट्स इनको दे दो प्लीज। देखो कितना जल्दी हिरा। उस्मान नजर को 210 नंबर। वाह सुनील भाई को ये बात बिल्कुल आपने दे दिए सारे जीरो नंबर। नहीं लेते हुए हम 50-50 से दे दिए। एवरीवन बैक टू द शो। अर्शी जामशीरी का सवाल है। ऑडियंस है जिसके हाथ खड़ा करेंगे मुंह से नहीं बोलेंगे।
जिससे मैं कहूंगा वो बताएगा, ठीक है? दिखाओ बेटा सवाल क्या है। पाकिस्तान का कौन सा शहर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है? हनीमून का पल, हनी भाई तू बता, भाभी से पूछूंगा, भाभी कराची, दिखाओ बेटा सही जवाब। आइए भाभी, हनीमून पे जामेशीरी पीजिएगा, ये ले जी, इनको भी पिलाएं ताकि थोड़ी मीठी हो ये, वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक, आइए तालियां। चलो भाई 210 नंबर लेने के बाद अब कौन है विनर एच एम एच कप का, देखते हैं। उस्मान बजर कराची, फाइनली पॉइंट्स टेबल का वक्त आ चुका है। उस्मान बजर एक बार फिर टॉप पर, उस्मान भाई एक बार फिर बाबू सर बन चुके हैं मेरे खिलाफ नंबर वन पे चले गए, और रजाक भाई कोटा दूसरे नंबर पे, सुनील भाई तीसरे नंबर पे, और फिर बतदरीज खवातीन का नंबर है मरियम, हेरा और कायनात। कायनात ये एवरेज और पॉइंट्स का क्या है मतलब? मैं आपको ये बताऊंगा, एवरेज का मतलब ये है कि हर शो में जितने पॉइंट्स आप एक्युमुलेट करते हैं 10 नंबर 20 नंबर, उनको हम नंबर ऑफ शो से डिवाइड करते हैं। और जब आप जैक बनते हैं तभी आपको मिलते हैं ना? जैक बनते हैं, मेरे में नहीं डरे हुए, जैक बनते हैं तो वो बांट देते हैं, वो नंबर आपके ऐड नहीं होते। उसमें भी कुछ मिलना चाहिए, मिलना था लास्ट टाइम, डिसाइड हुआ था उसमें भी, उस पे भी कुछ। अब 6 तो चलो भाई, कम एपिसोड्स बच गई हैं, अब कुछ एक्युमुलेट करेंगे, ठीक है? आपने बांटे थे ना? बांटे थे सब भाई। अब मेरे ख्याल से हाँ, कायनात आप सबने पहला रोज इफ्तार किया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बस आप 29 रह गए, पता भी नहीं चला। 28 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, रमजान के चंद ठंडे जोक्स में से ये एक जोक था। खातिर हजरात, कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।